नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 162 मॉडल पेपर हैं वो दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 163 नंबर का मॉडल पेपर है। तो दोस्तों, अगर आपने 162 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो दोस्तों प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम है फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के नाम से। आपको दोस्तों वहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा, तो आप वहाँ जाके सारे के सारे हैं वो टेस्ट हैं वो दे सकते हैं। और अगर आपने अभी भी आराध्या आरएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है ई प्रशासन का प्रथम चरण है। तो दोस्तों, ई प्रशासन का जो प्रथम चरण है वो कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने है, कंप्यूटरीकरण, नेटवर्किंग, ऑनलाइन परस्पर संपर्क, ऑनलाइन उपस्थिति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कंप्यूटरीकरण। ठीक है, ये ई प्रशासन का प्रथम चरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर प्रश्न है, माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा विभाग राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट का नाम क्या है? तो दोस्तों वेबसाइट का नाम है वो क्या है तो सबको पता होना चाहिए। तो दोस्तों www.rajshikha.government.in, ठीक है, यह है दोस्तों माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा विभाग राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट, इसका नाम याद रखना आपको, राजशिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन नंबर प्रश्न है, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता एवं क्रमोन्नत करने की प्रक्रिया का प्रबंध करने का उत्तरदायित्व किस पर है? दोबारा देखो प्रश्न को, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता एवं क्रमोन्नत करने की प्रक्रिया का संबंध करने का उत्तरदायित्व किस पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है शिक्षा संयुक्त निर्देशक या शिक्षा उपनिदेशक मंडल को। ठीक है, ये उत्तरदायित्व है दोस्तों। तो चार नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चार नंबर क्वेश्चन है, व्याख्याताओं यानी कि स्कूल शिक्षा की नियुक्ति करना, उन्नति देना व स्थानांतरण करने का जिम्मा किस पर होता है? तो दोस्तों किस पर होता है स्थानांतरण करने का जिम्मा, नियुक्ति करने का, उन्नति देने का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, शिक्षा निर्देशक माध्यमिक शिक्षा। तो दोस्तों इन पर होता है ये जिम्मा, एक नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। आगे चलते हैं, देखो इसमें पाँच नंबर प्रश्न, DPEP परियोजना के माध्यम से भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व किस पर है? DPEP परियोजना के माध्यम से भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व किस पर है? तो दोस्तों ये उत्तरदायित्व है ये किस पर है, तो ये शिक्षा निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा पर है ये। तो दो नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स नंबर प्रश्न है, विभिन्न संचार माध्यमों का समुचित प्रयोग करते हुए शिक्षा के प्रसार के लिए स्थापित विभाग है। विभिन्न संचार माध्यमों का समुचित प्रयोग करते हुए शिक्षा के प्रसार के लिए स्थापित विभाग है, तो वो विभाग का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र। ठीक है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी की केंद्र। ठीक है, तो इसमें दो नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सात नंबर प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 के बजट के प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने का प्रावधान है। तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने का प्रावधान है वो कितना है 2011-12 के बजट के अनुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1130 करोड़। ठीक है, 1130 करोड़, तीन नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसमें 1130 करोड़ नहीं आएगा, इसमें आएगा 1707 करोड़। ठीक है, 1707.72 करोड़ आएगा दोस्तों इसमें, एक नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठ नंबर प्रश्न है, चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे किया जा गया था। तो दोस्तों चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे है वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है माध्यमिक शिक्षा द्वारा चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन नंबर प्रश्न है, इमिस का संबंध है। तो दोस्तों इमिस का जो संबंध है वो किससे है? तो इमिस का संबंध है दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान से। ठीक है, इमिस का संबंध हो जाएगा
सर्व शिक्षा अभियान से। तो दोस्तों इमिस का पूरा नाम क्या है, तो एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये नाम है दोस्तों इमिस का, ठीक है। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो देखो सर्व शिक्षा अभियान की देखरेख एवं प्रबंधन करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 8 में प्रावधान है। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 8 में प्रावधान है, तो दोस्तों ये प्रावधान है ये कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समुचित सरकार के दायित्व संबंधी, समुचित सरकार के दायित्व संबंधी दोस्तों इसमें प्रावधान है धारा 8 में। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, डाइस किन संस्थानों द्वारा विकसित प्रणाली है, तो डाइस किन संस्थाओं द्वारा विकसित प्रणाली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है किन संस्थाओं द्वारा, तो देखो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा और राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासनिक विश्वविद्यालय, ठीक है, इन दोनों के द्वारा दोस्तों विकसित प्रणाली है डाइस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। 12 नंबर प्रश्न है, देश में सैनिक स्कूल के उद्देश्य हैं, तो दोस्तों देश में सैनिक स्कूल के जो उद्देश्य हैं वो कौन से हैं, तो देश में सैनिक स्कूलों के दोस्तों इसमें उद्देश्य कौन से हो जाएंगे, तो देखो इसमें सुयोग्य नागरिक तैयार करना ये दोस्तों देश में सैनिक स्कूल के उद्देश्य हैं इसमें, ठीक है। 4 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखो सैनिक स्कूलों का गठन है वो सन 1961 में किया गया था और इनका जो स्थापना का विचार है वो इंग्लैंड के पब्लिक स्कूलों की प्रेरणा रही है, ये भी आपको याद रखना है। 13 नंबर प्रश्न है, आदर्श स्कूल खोलने में खर्च राशि का सामान्य श्रेणी के राज्य व केंद्र सरकार का अनुपात है। आदर्श स्कूल खोलने में खर्च राशि का सामान्य श्रेणी के राज्य व केंद्र सरकार का अनुपात है, तो कितना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 75:25, ठीक है, 75:25 है दोस्तों इसमें, ठीक है। देखो आदर्श स्कूल खोलने के वास्ते विशेष श्रेणी के राज्यों एवं केंद्र सरकार के मध्य खर्च का अनुपात उसमें हो जाएगा 90:100, ये तो यहाँ पे सामान्य श्रेणी का है 75:25 और विशेष श्रेणी में हो जाएगा दोस्तों 90:10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में नॉलेज कॉरपोरेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें राजकीय महाविद्यालयों से। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न, दी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि NCTE की क्षेत्रीय परिषदों के विभाग होते हैं, तो दोस्तों NCTE की क्षेत्रीय परिषदों के विभाग होते हैं, तो कितने विभाग होते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 विभाग होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है अकादमिक विभाग और दूसरा है प्रशासनिक विभाग, ये 2 विभाग होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न है, हल्दीघाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, देखो कुटुबा समय अपने को उत्तर बताना है सही उत्तर, ठीक है, तो इसका मेन कारण यही था दोस्तों महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना, ठीक है, अपना अधीन लाना या अपने अधीन करना, यही अकबर का मुख्य उद्देश्य था, तो 1 नंबर का ऑप्शन इसमें यानी कि कोटभाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन, केवल एक है वो ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के काल में हस्ताक्षरित हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सबको पता है 1615 में हुई थी, राणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य दोस्तों ये संधि हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है जहांगीर, 4 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देखो
इसमें संधि में क्या था, तो इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता इस शर्त पर स्वीकार की थी कि चित्तौड़ दुर्ग का जीर्णोद्धार नहीं करवाया जाएगा तथा किसी मेवाड़ी राजपूत घराने की बहू बेटी का विवाह मुगलों से नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये संधि थी दोस्तों। तो 4 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के निम्न कारणों पर विचार कीजिए। बिजोलिया किसान आंदोलन के निम्न कारणों पर दोस्तों इसमें विचार करना है कि कौन सा इसमें सही है। तो इसमें देखो, 1916 ईस्वी में जब विजय सिंह पथिक ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, उस समय बिजोलिया राव कृष्ण सिंह के अधीन था। तो दोस्तों बिल्कुल सही है ये कथन है, ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों इसके अंदर गलत कथन है ये। ठीक है, ये कृष्ण सिंह नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा दोस्तों पृथ्वी सिंह। ठीक है, क्या आएगा, पृथ्वी सिंह आएगा दोस्तों, पृथ्वी सिंह के अधीन था। तो ये अपना पहला कथन है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन है ये गलत हो जाएगा। दूसरा कथन देखो, राव कृष्ण सिंह द्वारा किसानों पर चवरी नामक कर लगाया गया, बिल्कुल सही है। और देखो दोस्तों, इसमें चवरी कर में किसानों की पुत्री की शादी में 5 रुपये ठिकाने को देने पड़ते थे। तो दोस्तों इसमें दूसरा और तीसरा सही है, पहला इसमें गलत हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है, उपरोक्त कथनों में से गलत कथन का चुनाव कीजिए। तो गलत कथन इसमें कौन सा हो जाएगा, तो 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर प्रश्न है, मारवाड़ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों किसने किया था, तो वो किया था कुशाल सिंह चंपावत ने किया था। ठीक है, 1857 का नेतृत्व मारवाड़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दीघाटी के युद्ध को अबुल फजल ने कहा है। तो हल्दीघाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा है, तो दोस्तों खमनोर का युद्ध कहा है हल्दीघाटी ने, हल्दीघाटी के युद्ध को। ठीक है, किसने, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नंबर प्रश्न, आश्रित पार्थक्य की नीति किस गवर्नर जनरल के समय प्रारंभ की गई थी। आर्थिक है, पार्थक्य की नीति किस गवर्नर जनरल के समय प्रारंभ की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है लॉर्ड होर्डिंग्स के समय। 2 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करो, एक तरफ है राजस्थान के अमर शहीद, दूसरी तरफ है स्थान। तो अपने को इसमें क्या करना है, सुमेलित करना है राजस्थान के अमर शहीद और दूसरी तरफ है स्थान, कि उनका जो स्थान है वो कौन सा था। तो देखो, प्रताप सिंह बारट दिया हुआ है दोस्तों, तो प्रताप सिंह बारट थे, ये शाहपुरा के थे। ठीक है, शाहपुरा इनका हो जाएगा। और रूपाजी कृपाजी धाकड़ तो ये दोस्तों बेंगू से संबंधित थे, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थे। बीरबल सिंह, तो दोस्तों बीरबल सिंह है ये कहाँ से संबंधित है, ये रायसिंह नगर गंगानगर से संबंधित है। और ठाकुर छत्र सिंह और ठाकुर पंचम सिंह ये संबंधित है दोस्तों धौलपुर से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3421, 3421। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन, 3421 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 23 नंबर प्रश्न है, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों किसके द्वारा की गई, तो विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना। नेक्स्ट है, 24 नंबर प्रश्न है, राज्यों के विलय की नीति का सूत्रपात किसने किया। राज्यों के विलय की नीति का सूत्रपात किसने किया, तो दोस्तों सबको बतावाना चाहिए, लॉर्ड डलहौजी ने किया था ये। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर प्रश्न है, 1857 ईस्वी में राजस्थान में ब्रिटिश सेना की कितनी सैनिक छावनियां थी। तो दोस्तों 6 सैनिक छावनियां थी, सबको पता है। ठीक है, कौन कौन सी थी, उन 6 का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, नसीराबाद, ठीक है, एक तो नसीराबाद में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, और नीमच, देवली, एरिनपुरा, खेरवाड़ा और ब्यावर, ये दोस्तों 6 सैनिक छावनी थी। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, साधु सीताराम दास
किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो बिजोलिया कृषक आंदोलन से संबंधित थे, साधु सीताराम दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन दोस्तों असत्य है वो अपने को बताना है। तो इसमें देखो, उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदू धर्म के सुधार के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी। तो दोस्तों इसमें ये गलत हो जाएगा, दक्षिण भारत में नहीं दोस्तों, उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में की थी। तो अपना पहला ऑप्शन है ये इसमें गलत हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ही इसमें असत्य है। दूसरा देखो, ये मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद और ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित हिंदू धर्म के विरोधी थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने वेदों की ओर लोटों का नारा दिया था, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। और देखो दोस्तों, इनके द्वारा स्थापित आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से भी रोकना था, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पहला कथन है वो गलत था इसमें, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है, हातिम सेकंड की उपाधि किस सुल्तान को प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों किस सुल्तान को प्राप्त हुई थी हातिम सेकंड की उपाधि, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है, ये उपाधि प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो कौन सा अधिकारी है वो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अग्रहारिक, ठीक है, अग्रहारिक है ये दोस्तों मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर प्रश्न है, विशाखदत्त ने प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? तो दोस्तों विशाखदत्त ने एक नाटक लिखा था मुद्रा राक्षस, इसकी विषय वस्तु थी वो क्या थी? तो इसकी विषय वस्तु थी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भी संधियों के बारे में, ठीक है दोस्तों, ये इसकी मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु थी। 4 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2018 में पद्मश्री पुरस्कार राजस्थान में किसे दिया गया था? तो दोस्तों किसे दिया गया था 2018 में पद्मश्री पुरस्कार? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो दिया गया था नारायण दास जी महाराज को, और एक दिया गया था महाराव रघुवीर सिंह को, ठीक है, इन दोनों को दिया गया था दोस्तों ये पद्मश्री पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। 32 नंबर प्रश्न है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बालिका कॉलेज और स्कूलों में लड़कियों को अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाने और लड़ने के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने और अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए दोस्तों कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सारथी योजना। कौन सी योजना है वो? सारथी योजना। 2 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, सीकर और श्रीगंगानगर में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियोजना ग्रामीण के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों इसके जो तीसरे चरण का जो शुभारंभ है ये कब किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 9 दिसंबर 2017 को, ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। 2 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के वर्तमान छठे निर्वाचन आयुक्त हैं, राजस्थान के वर्तमान छठे निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री प्रेम सिंह मेहरा, ये दोस्तों वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है, इनका कार्यकाल 2022 तक रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों निम्न कथनों पर अपने को विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का राज्य स्तरीय शुभारंभ झालावाड़ से किया गया, तो दोस्तों ये इसमें गलत हो जाएगा, झालावाड़ से नहीं किया गया, बांसवाड़ा से किया गया था दोस्तों, ठीक है, बांसवाड़ा से किया गया था, झालावाड़ से नहीं किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ। तो इसमें पहला ऑप्शन है वो इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, इस योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ बांसवाड़ा से किया गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके तहत
2018-19 तक 6.75 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य है। तो दोस्तों ये इसमें बिल्कुल सही है। ये भी चौथा देखो, इस योजना में केंद्र सरकार व राज्य सरकार का अनुपात है वो दोस्तों 50-50% राशि दे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, 50-50 नहीं है दोस्तों, 60:40 है, ठीक है, 60:40 है। तो इसमें पहला और चौथा है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है अपने को, तो देखो सत्य कथन पूछा है, तो पहला और चौथा तो इसमें गलत है ही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, अन्नपूर्णा दुग्ध योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक व कक्षा 6 से 8 के लिए दूध की कितनी मात्रा उपलब्ध करवाई गई। तो दोस्तों दूध की कितनी मात्रा है वो उपलब्ध करवाई गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 150 मिलीग्राम व 200 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम व 200 मिलीग्राम की गई थी, ठीक है। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, 8वीं एशियाई योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप बीते दिनों किस शहर में आयोजित की गई। 8वीं एशियाई योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप बीते दिनों कहां पर आयोजित की गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तिरुवनंतपुरम में, कहां पर की गई थी, तिरुवनंतपुरम में। दोस्तों ये केरल में है तिरुवनंतपुरम, और यहां पर की गई थी दोस्तों, ठीक है, ये चैंपियनशिप आयोजन। 38 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली AICTF ट्रेनिंग एंड लर्निंग अकादमी का संबंध किस शहर से है। भारत की पहली AICTF ट्रेनिंग एंड लर्निंग अकादमी का संबंध किस शहर से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है जयपुर से संबंध है दोस्तों इसका, ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश के 48 वर्षों के इतिहास में पहली महिला मेजर जनरल कौन बनी। तो दोस्तों बांग्लादेश के 48 वर्षों के इतिहास में पहली महिला मेजर है वो कौन बनी, तो वो बनी दोस्तों सुसान गिनी बनी थी दोस्तों पहली महिला रेंजर, सॉरी मेजर, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सुसान गिनी। 40 नंबर प्रश्न है, तीसरे युवा ओलंपिक खेल 2018 के लिए भारतीय टीम के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया। तीसरे युवा ओलंपिक खेल 2018 के लिए भारतीय टीम के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मनु भाकर को किया गया दोस्तों, ठीक है, ये शूटिंग करती है। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, कथन ए दिया गया है, तो कथन ए में देखो, राजस्थान का रेगिस्तान अदलते बदलते रेत के टीलों से घिरा पड़ा है, ठीक है। कारण आर देखो, वर्षा एवं धरातल पर बहने वाले पानी के अभाव में हर जगह पर पवन कार्य को महसूस किया जाता है। तो दोस्तों हर जगह पर पवन कार्य को महसूस किया जाता है, तो ये कथन और कारण दिया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें देखो ये दोनों ही कथन कथन और कारण है ये दोनों ही सही है, और इसमें आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो अपना 1 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। कूट भाषा में इसका सही उत्तर 1 नंबर का ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित जिलों में से राजस्थान के कौन से ज़िले में BWHW जलवायु के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से ज़िले हैं वो BWHW जलवायु के अंतर्गत आते हैं। तो देखो ये पश्चिमी क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे, तो पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा हो जाएगा, तो देखो जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, ये दोस्तों BWHW के अंतर्गत आते हैं, ये कोपेन का वर्गीकरण किया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन। 43 नंबर प्रश्न है, एक स्त्रीकृत बालू के टीले का सबसे उपयुक्त भूमि का उपयोग क्या हो सकता है। एक स्त्रीकृत बालू के टीले का सबसे उपयुक्त भूमि का उपयोग क्या हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रतिबंधित चराई, ठीक है, प्रतिबंधित चराई। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर प्रश्न है, झालावाड़ में मनोहर थाना का किला किन नदियों के संगम पर बना हुआ है। झालावाड़ में मनोहर थाना के नदियों के संगम पर बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों परवन और कालीखाड़, ठीक है,
परवन और कालीखाड़ नदी के संगम पर बना हुआ है ये मनोहर थाना का किला, ठीक है। तो इसमें चार नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, किस क्रम में सही मेल नहीं है, तो किस क्रम में सही मेल नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखो यहाँ पे दे रखा है ग्रह दशा और एक गृह, तो ये घर दे रखा है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या हो गया, तो देखो ग्रह का मतलब, इस ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र, ठीक है, और इस ग्रह का मतलब होता है घर, ठीक है। तो ये इसमें पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द है, तो सही वर्तनी वाला दोस्तों इसमें शब्द कौन सा है, तो देखो मृत्युंजय ये वाला उस वर्ड है तीसरा नंबर का, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है, तो चलो देखो इसमें शुद्ध शब्द है वो दोस्तों निरपराध, ठीक है, निरपराध में दोस्तों ये शुद्ध शब्द है, चार नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक के सामने उसका सही हिंदी शब्द नहीं है, किस क्रमांक में हिंदी पारिभाषिक के सामने उसका सही हिंदी शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें देखो ऑर्गेनाइजर, तो दोस्तों इसका मतलब होता है आयोजक, प्रेक्षक नहीं होता इसका, ठीक है, इसका मतलब होता है आयोजक, और बाकी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है, तो इसमें ये गलत हो जाएगा चार नंबर का ऑप्शन, और सही भी उत्तर चार नंबर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो स्मारिका के लिए अंग्रेजी का उपयुक्त शब्द है, तो दोस्तों इसका अंग्रेजी के लिए जो उपयुक्त शब्द है वो कौन सा है, तो इसमें देखो सोविनीर, ठीक है, सोविनीर ये दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब होता है स्मारिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51 नंबर प्रश्न है, अरावली का कुल देशांतरी विस्तार कितना है, अरावली का कुल देशांतरी विस्तार है वो कितना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 5 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 5 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा, तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अरावली है ये 72 डिग्री 10 पूर्वी देशांतर से 72 डिग्री 50 पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है, इसका देशांतरीय विस्तार 5 डिग्री 4 मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों केवड़ा की नाल है ये किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उदयपुर में है दोस्तों केवड़ा की नाल, ठीक है, केवड़ा की नाल और फुलवारी की नाल है ये दोनों उदयपुर में पाई जाती है। 53 नंबर प्रश्न है, देहली पर्वत समूह का निर्माण किस काल में हुआ था, तो दोस्तों किस काल में हुआ था, तो ये आर्कियन काल में हुआ था, चार नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोराम घाट दर्रा कहाँ स्थित है, दोस्तों गोराम घाट दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोराम घाट दर्रा है ये दोस्तों राजसमंद में है, कहाँ पर है, राजसमंद में, एक नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, मनसा माता की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, दोस्तों मनसा माता की पहाड़ी है वो किस जिले में स्थित है, तो ये जयपुर में है मनसा माता की पहाड़ी, चार नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा, मनसा माता की पहाड़ी कहाँ पर है, तो दोस्तों ये है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखो यहाँ पे चैनपुरा है दोस्तों इसमें जयपुर में, मालखेत है ये दोस्तों सीकर में है, ठीक है, सीकर में है, हर्षनाथ अलवर में है, लोहागर्ल ये उदयपुर, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ये उदयपुर वाटी के पास में है, सीकर जिले में आता है, तो इसमें सीकर आएगा ना कि उदयपुर, तीन नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो इंस्टीट्यूमेशन लिमिटेड की स्थापना कब व कहाँ हुई थी, तो दोस्तों इंस्टीट्यूमेंटेशन लिमिटेड की स्थापना है वो कब व कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है दोस्तों कोटा में हुई थी 1964 में, दो नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में असत्य कथन है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में असत्य कथन बताना है, तो इसमें देखो दोस्तों यह भारत सरकार का उपक्रम है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है, यह भारत सरकार का उपक्रम है, बिल्कुल सही है, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है,
खेतड़ी झुंझुनू में स्थापित। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, इसके अंतर्गत चार परियोजना प्रारंभ की गई है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत चार परियोजना प्रारंभ की गई नहीं है, इसमें तीन परियोजना प्रारंभ की गई है। तीन परियोजना है वो प्रारंभ की गई है, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स खेतड़ी झुंझुनू, दरीबा ताम्र परियोजना अलवर, चांदमारी ताम्र परियोजना ये झुंझुनू में है। ठीक है, ये तीन परियोजनाएं प्रारंभ की गई है, इसके अंतर्गत चार नहीं की गई, तो अपना चौथा ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर भी चार नंबर ही होगा। 59 नंबर प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान लिंगानुपात भारत से कितना अधिक या कम है? तो दोस्तों कितना अधिक है भारत का लिंगानुपात से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 12 संख्या कम। भारत का अनुपात है 940 और राजस्थान का कितना है 928, तो 12 कम हुए, तो दोस्तों 12 संख्या कम है, तीन नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें देखो 60 नंबर प्रश्न है, राज्य में कौन से ताप घरों को सुपर क्रिटिकल ताप बिजली घर बनाने की योजना है? राजस्थान में कौन से ताप घरों को सुपर क्रिटिकल ताप बिजली घर बनाने की योजना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखो सूरतगढ़, छाबड़ा, बांसवाड़ा प्रस्तावित है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, सूरतगढ़ ऊर्जा संयंत्र राज्य का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है इसमें, तो इसमें चार नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, विश्व के किस देश में उच्चतम लिंगानुपात पाया गया है? तो दोस्तों कौन से देश में उच्चतम लिंगानुपात पाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है लातविया। ठीक है, लातविया है दोस्तों, लातविया में देखो जो लिंगानुपात है वो प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है, यानी कि 85 पुरुषों के ऊपर दोस्तों कितनी महिला है? तो वो है इसमें 100। ठीक है, यानी कि 15 एक्स्ट्रा है, 85 पुरुषों के कितनी पत्नियां हैं? 100। ठीक है, 15 एक्स्ट्रा है, अपने यहाँ पे 60 कम पड़ रही है भारत में। ठीक है, भारत में अपने यहाँ 60 कम पड़ रही है, और वहाँ पे दोस्तों अब हिसाब लगा लो, आप खुद ही हिसाब लगा लो कि यहाँ पे अगर 100 पे अगर 85 है तो वहाँ पे 850 स्त्रियों के ऊपर कितने पुरुष हैं? तो दोस्तों 850 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो दोस्तों 1000, यानी कि 150 दोस्तों ज़्यादा है। ठीक है, 850 के ऊपर 150 महिलाएं हैं, तो अपने यहाँ पे दोस्तों माइनस में जा रहा है, 60 कम है, तो इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर भी अगर कम पड़े तो दोस्तों लातविया जाना ही पड़ेगा फिर। 62 नंबर प्रश्न है, भारत जैसे विकासशील देशों में स्त्रियों के नगरीय अनुपात के कम होने का कारण है? तो दोस्तों भारत जैसे विकासशील देशों में स्त्रियों के नगरीय अनुपात के कम होने का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो आवास की कमी बिल्कुल सही है, सुरक्षा की कमी बिल्कुल सही है। सुरक्षा की कमी तो दोस्तों आपको दिख रहा ही होगा कि सीकर ज़िले में अभी हाल ही में एक घटना हुई थी। ठीक है, वो सुरक्षा की कमी की वजह से हुई थी। और देखो रोज़गार के अवसरों में कमी। ठीक है, गवर्नमेंट रोज़गार देती नहीं है, अभी भी नहीं देती। ठीक है, रहन सहन की उच्च लागत, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो ये चारों ही कथन है ये बिल्कुल सही है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार नंबर का ऑप्शन, 1, 2, 3, 4 चारों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर प्रश्न है, किसी प्रदेश में मानव विकास में कमी दर्शाने वाले सूचक हैं, तो दोस्तों वो कौन से हैं? तो देखो 60 वर्ष की आयु तक जीवित न रहने पाने की संभावना या संभाव्यता, तो दोस्तों इसमें ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, प्रौढ़ साक्षरता की दर कम होना बिल्कुल सही है, संसाधनों तक
पहुंच सुनिश्चित न हो पाना, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, बिल्कुल सही है, यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो इसमें बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हिज प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा, तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए खालिस्तान में क्या आएगा। बहुत अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें विल हैव कंप्लीटेड, ठीक है, इसमें आएगा विल हैव कंप्लीटेड, यानी कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही विल हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें दोस्तों भविष्य में कार्य होने को इंगित किया गया है, इसलिए बाई से वाक्य प्रारंभ किया गया है इसमें, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न है, आई यू इफ आई हैड टाइम एज वेल एज मनी, ठीक है। तो दोस्तों इसका इसमें खालिस्तान में क्या आएगा, तो इसमें आएगा वुड हैव हेल्प्ड, वुड हैव हेल्प्ड आएगा इसमें, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस का वाक्य है, तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, ए हेल्थी मैन एवरी डे, ए हेल्थी मैन एवरी डे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखो वाक्य में एवरी डे आया है, तो दोस्तों सामान्य वाक्य होने के कारण ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो वो जाएगा दोस्तों एक्सरसाइजेज, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 67 नंबर प्रश्न है, ही ए नोवेल सिंस अक्टूबर एंड इज अबाउट टू फिनिश इट, ठीक है। तो यहाँ पे खालिस्तान में इसमें क्या आएगा, तो देखो इसमें भूतकाल से प्रारंभ कार्य अभी तक कंटिन्यू में चल रहा है, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो दोस्तों हैज बीन रिटिंग, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों इसमें हैज बीन रिटिंग, ठीक है, राइटिंग हो जाएगा इसमें, हैज बीन राइटिंग हो जाएगा, तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर प्रश्न है, इफ ही हार्ड ही विल पास, इफ ही हार्ड ही विल पास, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों वर्क्स आएगा, ठीक है। ये दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो 2 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, ओजोन छेद अटलांटिक महासागर में किस मौसम के दौरान रिक्तिकरण अधिक होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें किसमें, तो दोस्तों अगस्त से नवंबर के अंत तक होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 70 नंबर प्रश्न है, एक गोलाकार और वर्ग की परिधि समान है तो उनके क्षेत्र का अनुपात क्या होगा, तो उनके क्षेत्र का अनुपात क्या होगा वो अपने को दोस्तों इसमें बताना है, ठीक है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 14:11, ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इसमें अपने को आर निकालनी पड़ेगी, तो इसमें जो A1 और AS मानेंगे, तो इसमें 2πr, ठीक है, बराबर 4x बराबर r बराबर 4x अपॉन 2π, ठीक है। इस फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने 14:11 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर प्रश्न है, एक समतुल्य त्रिभुज में अंकित एक वृत्त का क्षेत्रफल है वो 36π है, ठीक है, त्रिकोण के एटीट्यूड की लंबाई है, तो दोस्तों त्रिकोण के एटीट्यूड की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो 2πr स्क्वायर हो जाएगा, 2πr, देखो दोबारा देखो क्या हो जाएगा, 2πr स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 3π, ठीक है। अब देखो r स्क्वायर निकालना है अपने को, तो r स्क्वायर कितना दे रखा है 36, तो r बराबर कितना हो जाएगा 6, r निकालना है तो r निकल गया अपना कितना आ गया 6। अब देखो लेट एटीट्यूड की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है, तो दोस्तों इसकी लंबाई फिर कितनी हो जाएगी, तो 1/3 × x = 6, ठीक है, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18, तो इसमें जो एटीट्यूड की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4 नंबर का ऑप्शन 18 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बेहतर नंबर प्रश्न है, एक जलाशय का 50 मीटर लंबा और 15 मीटर व्यापक है, यदि पानी का स्तर 2.5 मीटर तक बढ़ाया जाता है तो पानी से कितना किलोमीटर पानी डालना है। ठीक है, तो कितना किलोमीटर पानी डालना है ये अपने को इसमें बताना है। तो देखो यहाँ पे दे रखी है वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखी है, तो कितनी दे रखी है 50 × 15 × 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1875। ठीक है, तो 1875 के आ जाएगा इसमें, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर प्रश्न है, एक घन विकर्ण 4√3 है तो आयतन बताइए। तो दोस्तों इसका आयतन बताना है, तो कुछ नहीं करना, √3a = 4√3 ये लिखना है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 4, और a क्यूब कितना हो जाएगा, तो इसका a क्यूब हो जाएगा 64। ठीक है, तो 64 अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर प्रश्न है, दो घनों का आयतन का अनुपात 8:27 है, सतह के क्षेत्र का अनुपात ज्ञात करना है अपने को, तो सतह के अनुपात का क्षेत्र अपने को ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, तो सीधा सा है इसमें 4:9 जाएगा। ठीक है, 4:9 हो जाएगा इसमें। यहाँ पे घन दे रखी है तो भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, तो 2 का क्यूब यहाँ पे 8 दे रखा है, 3 का क्यूब यहाँ पे 27 दे रखा है, तो दोस्तों ये स्क्वायर में बदल जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न है, एक घन का व्यास जिसमें 42 रिवॉल्यूशन में 5280 सेमी की दूरी तय करता है, तो दोस्तों इसमें देखो क्या करना पड़ेगा अपने को, तो 2πr, ठीक है, 2πr × 42, तो दोस्तों कितना हो जाएगा इसमें, तो इसको कितना दे रखा है यहाँ पे, दोबारा देखो दोस्तों इस प्रश्न को, 2πr = 42, 2πr × 42 बराबर कितना दे रखा है 5280। अब देखो 2r = 5280 × 7, नीचे आ जाएगा 22 × 42, इसको काटेंगे तो 40 सेंटीमीटर अपना राइट आंसर आ जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन। तो दोस्तों ये हो गया।